दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को 3 महीने में जांच पूरा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। आइए जानते हैं शहनवाज हुसैन के खिलाफ लगे आरोपों को। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।